सब एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। और मैं आज आया हुई ये 1v4 सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके आपके पास, जिसमें मुझे एक भी स्कोप नहीं मिला। सीरियसली एक स्कोप, 2x मिला बस खत्म। 2x के आगे एक स्कोप नहीं मिला, पूरा पोचिंग के ढूंढा पर एक स्कोप नहीं। सीरियसली तो जानने के लिए देखिए कैसे मैं मारा स्कोप की वजह से पूरा गेम प्ले। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ पोचिंग की। पोचिंग की जाने से पहले मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, और मैं जाता हूँ पोचिंग की सबसे खतरनाक जगह। और पोचिंग की भी बहुत खतरनाक फाइट हुई थी। दो स्क्वाड उतरे थे मेरे साथ, और गन मुझे कौन सी मिली बोलो, वो 5.56 के एमओ लगती है ना, उसमें वो ब्रश बार बार बटन दबाने से चलती है, वो गन मिली। वो गन का नाम मुझे याद नहीं रहता है, और वो जो बहुत फालतू गन लगती है, वो M164 है कुछ नाम का गन का नाम है। हाँ ये वाली, ये सबसे फालतू गन लगती है। सामने बंदे उतरे निहत्ते घूम रहे थे, हमने थोक दिया उनको। नहीं भाई ऐसे, ओ ओ आंटी कितने कट्टे आंटी। वो आंटी गई बेचारी। और देखो सामने वाले बंदे को पिस्तौल मिली थी, सीरियसली पिस्तौल नहीं, लूट पबजी में बंद हो गई है। इधर हमारे जैसे नूब इन लोगों को मारते, क्या बोलने का भी। तो मेरे को लगा इनका चौथा बंदा भी होगा इधर ही आसपास के, पर कोई नहीं था, सीरियसली कोई नहीं था। तो हम चला ऑटो गन की खोज में। तो मुझे अभी गोली चलने की आवाज़ आती है कहीं से, और फिर मैंने सोचा कि पहले ऑटो गन ले लूँ कोई। तो अब मुझे मिलती है स्कारेल, आई एम वेरी लकी स्कारेल मिल गई टाइम पे। और ये बंदा कैसा है, बंदा ठकी बॉट कौन था ये, आई डोंट नो बॉट ठकी बंदा क्या, कोई भी अपन को क्या आपको किल मिलता है बॉट हो या बंदा, सिंपल सी बात है। किल देखी गया वो महत्वपूर्ण है, दैट्स इंपॉर्टेंट, चाहे बॉट हो या बंदा। केड़ी भरा है ना अपना, थैंक यू बोलने का उसको। और अब जहां से गोलियों की आवाज आई हम चल पड़े वो डायरेक्शन में, और बंदे खतरनाक थे रे। तो मुझे वो घर में दिखता है और उसको हम नॉकआउट करते हैं स्कारल से। तो मैं थोड़ा टीपी पी लेता हूँ इनके बंदे कहीं पीछे बाजू से ना आ जाए, और दिखता है मुझे एक, पर वो छुप जाता है वापस। तो यहाँ पे मुझे फीलिंग आई कि यहाँ पे से दो बंदे होंगे या तीन बंदे होंगे, फर्स्ट स्टेप ज़्यादा आई नहीं। हाँ फीलिंग आ सकती है, फीलिंग आना इज़ नॉट रॉन्ग, सिर्फ फीलिंग है मुझे। पर हमें कहा पता था कि एक दो तीन चार बंदे, इन लोग की पूरी स्क्वाड है। एक और चार, ओ नहीं नहीं मजाक मजाक किया, सॉरी 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 मजाक किया, तुम लोग खेलो मजाक किया। ये बंदा तो फुल रश में आया, हम इसको ले डाले। और फिर हमने जो अभी इसका लास्ट मैच तो बाकी था ना, इसकी मूवमेंट्स देखी मैंने, बहुत नुबरे टाइप की। तो मैंने चिल लिया, मस्त मेडिकेट मारूंगा फिर उसे मारूंगा, पर वो खुद इधर रश करने आ गया। बोला भाई निकल दो, तो भाई चल निकल बेटा पहली फुर्सत में निकल। और इसी के साथ ये दो स्क्वाड साथ। सो मैं अभी इधर तक पूरा पोचिंग के लूटा और एक स्कोप नहीं मिला, और फिर मुझे उसके बाद उधर से फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं वो डायरेक्शन में जाता हूँ। और ये बंदे का अलग ही सीन था कुछ, ये फाइट लेने की वजह दूर भाग रहा था, इसके पास मेरे से अच्छे गन थी, कार 98 थी। तो मैंने उस बंदे को वो 3 फ्लोर बिल्डिंग पे घुसते हुए देखा। तो हमने थोड़ा यहाँ पे टीपी पी लिया, और हम भी फिर ये बिल्डिंग में घुसते, मतलब हम उसको क्लियर वे से देख पाए। तो मुझे वो दिखता है, मैं अपना नेड हाथ में लेता हूँ और नेड करने की कोशिश करता हूँ, पर
नेड किया मैंने सही, पर मरा कैसे मेरे को वो नहीं समझा। तो वो भी नेड करता तो मैं इधर आ जाता ये रूम में, क्योंकि नेड उसने वो रूम भी क्या रहता है। वापस नेट करता हूँ पर वो उधर से भाग जाता है। ये तो ठीक है, पर वो पहले का नेट में वो बचा कैसे वो मैं नहीं समझा। और यहाँ पे एक एंगल स्प्रे देता पर बच गया बेचारा। बेचारा मैं, बेचारा मैं, वो नहीं मैं बेचारा। और ये एंगल से वन पर गया, वो नीचे कूद गया बिल्डिंग से। मतलब मस्त खेल रहा था, फ्लैंक कर रहा था, घर बदल रहा था एक गेम। गुड, हमको लगा कि नुबड़ा आ गया हमारे हाथ पे, पर नहीं, अच्छा बंदा खेल तो रहा था पर भाग रहा था। सो मैं थोड़ा आ गया इधर, उसको मैंने फिर वो कौन, ये घर को कैसे डिस्क्राइब करो, अभी सामने वाले घर में देखा मुझे लगा, एक्चुअली लगा कि वो पहले वो घर में, तो मैं उधर नेट करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं श्योर नहीं था। वो चार पांच खिड़की है उधर, पांच खिड़कियों में से कहाँ पे है, और नेट मेरे पास से दो ही है। तो थोड़ा सोच के किया तो दोनों में कर दूँ, पर वो दोनों में ही नहीं था। सो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि वो बंदा अभी भी कहीं सामने वाले घर में है, पर नहीं, वो उधर नहीं था, वो कहीं और था, उसके ब्लू वाले घर में। और उसने मुझे देखो, मुझे कान आन का चाटा मारा, मारा नहीं बजिया मैं, और किधर से मारा सोच सकते हो, किधर से एकदम, मतलब प्राप्त अभी देखा था, देखो दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, अरे दिखा ना, हाँ देखो इधर से मारा उसने, इधर से अभी, इधर से मेरी केडी भरी नहीं क्योंकि मुझे किल मिली नहीं, क्योंकि मेरे पास क्लियर व्यू था नहीं, मुझे क्लियर व्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि स्कोप मेरे पास था नहीं। सो ये बंदे का क्या अलग ही सीन था, अभी इधर से ही भाग गया। तो मैं इसको ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था, पर हमको लगा अंदर बैठा होगा, टीपी भी ले रहा होगा भाई, अब कैंपिंग कर रहा होगा, मुझे फील ही नहीं, ऐसे ही होगा। तो अचानक फुट स्टेप्स ना दूर जाते हुए देखो, तो सो इधर मैं पूरा कन्फ्यूज़ होता कि रश करो कि नहीं करो, नुबरा नहीं है वो, प्रो है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सोचता गया सोचता गया, मैंने पेन किलर पिया कि थोड़ी ड्रिंक को, तो हमने लगाया 100 KD का दिमाग सीधा, 100 KD किंग एंड ब्रू 15 KD का लगाता है ना, मैं 100 KD का लगाया और चला गया थोड़ा लेफ्ट से। लेफ्ट से गया वापस इधर आ गया और उधर आगे खड़े, ये क्यों क्या मैंने, मेरे को नहीं मालूम ना, ये मेरे को पूछना मैंने क्यों किया। सो मेरे में इतने पेशेंस है नहीं, मैं घुस गया सीधा, दरवाज़ा खोला, डीपी पी लिया, और मुझे लग ही रहा था वो नहीं है। अभी देखो वापस, अभी मुझे गाड़ी की आवाज़ है, मुझे लगा वो बंदा गाड़ी में भाग रहा है, पर नहीं, वो कान नहीं नेट की भी आवाज़ है, मतलब वो बनते इधर ही के घर में, गाड़ी वाला दूसरा है, कुछ स्टेप्स भी आए तो मेरे को मालूम पड़ गया बंदा ये घर में। और कान 90 यूज़ कर रहा था, हमको कैसे मारेगा क्लोज रेंज में, तो हम ले डाले उसको एक के का स्प्रे, क्लोज रेंज में भी होता है। और इसी के साथ ये बंदा साफ देते गया कार 90 पर, कार 90 के ऊपर था 2x। तो जोन में आते आते मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मैं क्वायरी में आ गया, क्वायरी में तो गोली की आवाज आई, और मैंने स्कोप खोला तो 2x, कार 90 के ऊपर 2x सीधा। और देख रहा था, देख रहा था, दो दो जन की फाइटिंग हो रही थी, क्या करूँ मैं, वेट किया क्योंकि स्टेबल खड़ा और उसको हेडशॉट दे सकूँ मैं, एक क्लियर वे तो मिलेगा नहीं कभी भी। तो एक बंदे तो स्टेबल लूट रहा था, और आई गॉट अ चांस, और मैंने उसको दे दिया पट्टे से हेडशॉट। मैंने सोचा कि मैं वो दूसरे बंदे को भी इधर से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वो ओपन में था पर थोड़ा झाड़ी के नीचे था, तो मुझे वो अच्छा दिखा नहीं क्योंकि मुझे क्लियर व्यू मिला नहीं। मुझे क्लियर व्यू क्यों नहीं मिला, क्योंकि स्कोप मेरे पास था नहीं।
सो मैं सोचा कि उन लोगों को स्मोक के थ्रू तो दिखेगा नहीं, तो मैं सोचा कि रश कर दूँ। पर एक बात क्या है कि उनके पास उधर ना छोटा सा रिज था, तो वो रिज के मस्त साफ बने टीपीपी ले लेंगे, ये डर मुझे बैठ गया और मैं इधर ही छुप गया। तो मैं झाड़ के इधर नीचे लेट गया और वो मेरे को लगा कि रिज का वो लोग गारंटी साफ बने बैठे रहेंगे, और फिर मैं दो जन को कैसे मारूंगा साफ बने। तो फिर थोड़ा मैं आगे गया और फिर पीछे से भी गोली चलने की आवाज़ आई। वो पहाड़ों पे भी बंदे थे और मैं वेट करता गया, कोई दिखेगा तो भी सही, कोई देखा पर कोई ये लोग दिखे ही नहीं, सीरियसली कोई नहीं दिखा। तो स्मोक हटा, हमको लगा भी दिखेगा नहीं, कोई नहीं दिखा। कोई ऊपर से अगर एक बंदा भी दिख जाता ना तो ये गेम हो जाती मेरी, गेम मेरी थी रे, गेम मेरी थी, पर वो स्कोप की वजह से। तो बहुत वेट किया, बहुत पका इधर वेट करते करते, दो मिनट का तो वेट किया इधर में, और देखता गया देखता गया, आजू बाजू घूमता गया। देखो अगर मेरे पास स्कोप होता तो मैं उनको उधर से ख़त्म कर देता, पर मेरे पास व्यू था नहीं, क्योंकि मेरे पास स्कोप था नहीं, स्कोप नहीं मिलता इस पबजी में। फिर मुझे दिखता है उधर एक और बंदा, और तभी कार 90 पे एक्चुअली लगा होता है 2x, तो कैसे उसको मैं मारूंगा। इधर से मेरी एक और थोड़ी मेरी केड़ी भरी नहीं, क्योंकि मुझे किल मिले नहीं, क्योंकि मेरे को क्लियर व्यू मिला नहीं, क्यों, क्योंकि स्कोप मेरे पास था नहीं। और मुझे थोड़ी भी ना मतलब हर चल मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, क्या करूँ, इधर ऊपर जाओ, इधर ऊपर ही बंदे, इधर जाओ। तो फिर पीछे से अचानक एक बंदा आता है और